कुशीनगर में पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है, वो भी ऐसी लापरवाही जिसे सुनने के बाद आप भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसी लापरवाही कोई कैसे कर सकता है। दरअसल कसिया पुलिस ने 5 साल पहले अपने गुडवर्क के चक्कर में पंजाब के एक बेगुनाह व्यक्ति को दूसरे के नाम पर जेल भेज दिया। पुलिस की इस लापरवाही से व्यक्ति के जीवन के 5 साल देवरिया की जेल में कटे। यहां तक कि पुलिस ने उसके परिजनों को भी इसकी सूचना नहीं दी, जिससे उससे कोई मिलना तो दूर परिजन उसकी कोई खोज खबर तक नहीं निकाल पाए और परिजनों ने भी व्यक्ति को मरा हुआ समझ लिया। लेकिन किस्मत ने एक दिन पलटी मारी और कोर्ट में सुनवाई के दौरान उस व्यक्ति ने अपना नाम बलवीर सिंह बताया। इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर को निर्देशित किया कि कैदी के परिजनों को इसकी जानकारी दी जाए। तब जाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पंजाब में कैदी के परिजनों के बारे में पता किया और पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकी। करीब करीब 5.5 साल जून 2017 में इनकी गिरफ्तारी। जिस प्रकार बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो बेगुनाह होते हैं, निर्दोष होते हैं, उनको भेज दिया जाता है, तो क्या न्यायपालिका इन जो पुलिसकर्मी जो होते हैं इन लोगों के ऊपर कुछ ठोस एक्शन लेने के मूड में है क्या? अब ये तो न्यायपालिका के लोग बताएं। वैसे हमने अभी पत्रावली का निर्णय पढ़ नहीं पाया है, ये कहा गया है कि उनको छोड़ दिया जा रहा है। निर्णय मिलेगा पढ़ करके मैं समुचित जवाब दूंगा, लेकिन इस पे पुलिस पार्टी पे कार्रवाई होनी चाहिए, निवेशक के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि समाज में जो निर्दोष लोग हैं उन पे कानूनी सिंगाजाना फंसे और कानून। वहीं सोमवार को पिछले कई साल से देवरिया जिला जेल में बंद पंजाब निवासी बलबीर सिंह को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने तत्काल रिहा करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद व्यक्ति के परिजनों को भी अब न्याय की उम्मीद दिख रही है। बता दें कि बलबीर सिंह को 5 साल पहले कसिया पुलिस ने बोलेरो से 5 किलोग्राम गांजे की बरामदगी दिखाते हुए हरमेल सिंह पुत्र मुख्तियार सिंह के नाम पर जेल भेज दिया था। अब इस लापरवाही के खुलने के बाद लोग दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं ऐसे में अब ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही पुलिस से कैसे हो गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुशीनगर से अनूप कुमार की रिपोर्ट।